गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा का पर्व का कल सुबह 7 बजे से आयोजन हो जाएगा। जिस पर्व की लोगों को इंतजार रहता है वो जो पर्व है कह सकते हैं कि जो लोग हैं गौतम बुद्ध नगर वासी कल अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर में कभी करीब 26 लाख मतदाता हैं, वो अपने मत का कल प्रयोग करेंगे। करीब लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं करीब 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और साथ के साथ 15,000 जो पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, साथ के साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी तैनात की गई है। देखिए इस वक्त हम खड़े हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, जहां पर जो मतदान जो कह सकते हैं कि जो दादरी विधानसभा का 62 जो निर्वाचन जहां पर लोग वोट डालेंगे, यहां पे जो पोलिंग एजेंट है वो आएंगे कुछ देर बाद ही और यहां पर अपनी मशीन को सेटअप करेंगे। कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से यहां पर दिखाया गया है कि दादरी विधानसभा 62 सामान्य निर्वाचन 2024 मध्य स्थल का नाम केंद्रीय विद्यालय BLO का नाम प्रदीप कुमार, तो कहीं ना कहीं जो पहले से ही जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली गई है और साथ के साथ जो लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे उनके घरों में पहले से BLO द्वारा पर्ची जो थमा दी गई है कि जिससे कि जो वोट डालने जाएंगे उनको परेशानी ना हो अपना मतदान स्थल ढूंढने में। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं जिनको इस पर्व का इंतजार था वो पर्व कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक पूरे जिले में वोट डाली जाएंगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि लोग इस पर्व में कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाएंगे। ग्रेटर नोएडा से